गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाई एनी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन एनी लिक्विड। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पे फ्लोट क्यों करता है और उसमें सिंक क्यों करता है, इसका काउज क्या है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। टॉपिक क्या है हमारा, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड। So when an object is put in a liquid, then two forces act on it. क्या है कि जब भी किसी object को liquid में हम immerse करते हैं, put करते हैं, उसमें डालते हैं उसको, तो उस पर दो force एक साथ काम करता है ना। पहला force क्या है, weight of object acting downwards, यानी कि जो object को हम immerse किए liquid में उसका weight वो हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, चूंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वेट काम करता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो लिक्विड में डालते हैं तो उसका जो वेट जो है वो नीचे बॉटम की ओर काम करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। कारण क्या है, चूंकि अर्थ का सेंटर क्या है, नीचे की ओर है, तो वेट का भी डायरेक्शन क्या होगा, इन बॉटम, यानी कि इनवर्ड और डाउनवर्ड। और फिर सेकंड क्या है, बायंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। और दूसरा क्या है, जैसे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या भी जाने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को हटाएगा, रिमूव करेगा, उस लिक्विड का जो वेट होगा उसके इक्विवेलेंट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या होता है, अब थ्रस्ट और बायंट फोर्स वर्क करता है। तो दूसरा फोर्स क्या होगा, दूसरा फोर्स होगा बायंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। क्या होगा, एक फोर्स कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और दूसरा फोर्स क्या है आपका, बायंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, अब यही दो जो फोर्स काम कर रहा है एट अ सेम टाइम उस ऑब्जेक्ट पे, यही डिटरमाइन करेगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो सिंपली जानिए कि अगर ये जो बायंट फोर्स है उससे अगर ज्यादा पावरफुल है कौन सा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। और अगर रिलेटिवली देखा जाए कि बायंट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एक्टिव है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो यहां पे एक चीज और हम देखेंगे, एक नया टर्म है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस यहां पे इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, है ना। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को कंपेयर करें तो उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिक्विड में क्या होगा, फ्लोट करेगा, और कौन सा सिंक करेगा। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, पहले इसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है फ्लोटेशन का। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वेट है वो जितना लिक्विड को हटाया गया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसका जो वेट है, ये दोनों अगर इक्विवेलेंट हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम किसी लिक्विड उसको जब डाल रहे हैं तो वो जितना लिक्विड को हटाया है उस लिक्विड का जो वेट होगा, ये दोनों अगर इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा ऑन द अपर लेयर ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को हटाया है उसका वेट, ये दोनों अगर इक्वल है, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या फिर जो ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है उसका डेंसिटी जो है लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, और किस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और किस केस में ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ओके, सो फर्स्टली एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है या फिर उस ऑब्जेक्ट का एवरेज डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ऊपर में तैरेगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिक्विड के ऊपर। क्लियर है, कब, जब लिक्विड के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हो। सेकेंड केस क्या है,
an object will also float in a liquid if its density is equal to density of that liquid, यानी कि liquid का density और उस object का density दोनों अगर equal है तो उस case में भी क्या होगा, object जो है वो float करेगा just below the upper surface of liquid, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये दोनों केस, जो पहला केस क्या था, पहला केस में था कि लिक्विड का डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है तब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ठीक ऊपर वाले सरफेस पे लिक्विड का, और दूसरा केस क्या है कि अगर लिक्विड का डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इक्वल है तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन क्या, कैसे फ्लोट करेगा, जो अपर लेयर है लिक्विड का उसके जस्ट नीचे वाले लेयर में क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, क्लियर। अब अगर क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उस लिक्विड से अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। जो थ्री कंडीशंस था, क्या लिक्विड और ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कि दोनों को कंपेयर करें तो किस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और सिंक करेगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, क्या है, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड, तो मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो एट अ सेम टाइम दो फोर्स उस पर काम करता है। पहला फोर्स क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा बायोंट और अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यही दोनों फोर्स डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो सिंपली जानिए कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसके रिस्पेक्ट में अगर बायोंट फोर्स ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है और जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ये दोनों अगर इक्वल है तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और लास्टली हम लोग अभी डिस्कस किए डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तो पहला क्या बताया था मैंने कि अगर लिक्विड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सेकेंड, अगर लिक्विड का डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दोनों इक्वल है तब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और लास्ट मैंने क्या बताया कि अगर लिक्विड के डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपली आप जानते हो कि एक छोटा सा पिन लीजिए या फिर आयरन नेल लीजिए, उसको अगर हम लोग क्या करें, लिक्विड में इमर्स करें वाटर में, तो वो क्या होता है, वो डूब जाता है, उसमें वो आपका सिंक कर जाता है। लेकिन उसी मेटालिक सब्सटेंस का, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस, हम कॉपर का पीस लें, ब्लॉक लें या आयरन का ब्लॉक लें, उसको जब हम सिंक करवाते हैं तो क्या होता है, वो सिंक कर जाता है इजीली, यानी कि लिक्विड में डालने के बाद वो नीचे डूब जाता है। लेकिन वही मेटल्स का बना हुआ बोट, शिप, ये क्या होता है, ये लिक्विड के ऊपर में फ्लोट करता है। हाउ कैन इट पॉसिबल, एक छोटा सा पीस जो हम ले रहे हैं किसी मेटालिक सब्सटेंस का, वो पानी में डूब जा रहा है, लेकिन उसी मेटल का बना हुआ शिप जो है, बोट जो है, वो पानी के ऊपर में तैरता है। तो यहाँ पे जो है कारण, मैंने देखिए आपको बताया था एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी क्या होता है कि हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है लिक्विड से ज़्यादा हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को इस तरह का शेप दिया जा रहा है ताकि बीच में क्या आ जाए, बीच में खाली जगह हो, बीच में एयर गैपिंग हो, और चारों ओर से उस मेटालिक सब्सटेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं और उसका एवरेज डेंसिटी जो है वो अगर लिक्विड से कम हुआ या फिर उसके इक्विवेलेंट हुआ तो ऑब्जेक्ट सियोरली क्या होगा, उस लिक्विड पर फ्लोट करेगा। तो हम लोग जो बोट बनाते हैं या फिर हम लोग जो शिप का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, बीच का जगह खाली रहता है और चारों ओर हम क्या करते हैं, मेटालिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिस कारण से जितना वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है उसका जो एवरेज डेंसिटी होगा वो लिक्विड से या तो कम होता है या उसको इक्विवेलेंट होता है। और उसी कारण से क्या होता है, बोट्स या फिर जो शिप होता है वो पानी में डूबता नहीं है। अब ध्यान दीजिए किस कंडीशन में डूब जाता है, अगर ओवरलोड हो, यानी कि कैपेसिटी होता है कोई भी बोट का या कोई भी शिप का कि कितने पर्संस उसमें जा सकते हैं, अगर उससे हम बहुत ज़्यादा पर्संस को उसमें
बैठने के लिए इजाज़त दे दें तो उस केस में क्या होगा, उसका अगर एवरेज डेंसिटी जो है वो लिक्विड से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो डूब जाएगा। और यही वजह है कि नाव जो है या फिर बोट कर सकते हैं या फिर जो शिप्स है वो पानी में डूब जाता है। जब हम ज़्यादा सामान शिप पे डाल दे रहे हैं उसका एवरेज डेंसिटी जो है सो क्या हो गया, लिक्विड से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा वो श्योरली डूबेगा, चूँकि उसका क्या हो गया डेंसिटी जो है सो लिक्विड से ज़्यादा हो गया। या फिर कोई नाव या बोट है उस पर बैठने का कैपेसिटी है 10% का, उस पर 20% बैठ जाए तो क्या होगा उसका एवरेज जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा हो जाएगा और फाइनली फिर क्या होगा वो नाव या बोट क्या होगा पानी के अंदर डूब जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे क्वेश्चंस था कि आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा हालांकि आप लोग कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे क्योंकि हर कोई शिप पे जाता नहीं है, बोट पे हर कोई घुमा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लिक्विड जो वाटर जो होता है पॉन्ड वाटर लेक वाटर रिवर वाटर उसमें जो बोट होता है या फिर जो उसमें जो शिप्स होगा वो ज़्यादा नीचे डूबा हुआ रहता है। लेकिन हम बात करें सी में और ओशियन में, वहाँ पे बोट का बात कीजिए या फिर शिप का बात कीजिए वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, एक्चुअली जो रिवर वाटर होता है और लेक वाटर होता है उसमें क्या होता है उसका डेंसिटी कम होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला हुआ नहीं है और डेंसिटी कम होने के कारण जब लोड पड़ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है हाइट किसका, शिप का या फिर बोट का। लेकिन वही बोट और शिप को अगर हम लोग ले जाते हैं ओशियन में या फिर उसको ले जाते हैं हम लोग किसी सी लेवल पे तो वहाँ पे क्या होता है वो ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर में सॉल्ट एडेड है जिस कारण से जो वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या है आपका रिवर के वाटर डेंसिटी से ज़्यादा रहता है और इस कारण से बोट और शिप थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी कि डूबने का चांसेस वहाँ पे कम रहता है शिप और बोट का। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस थे व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड। तो ये डायरेक्टली क्या है, ये डेंसिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम डेंसिटी पढ़ेंगे और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना जानिए कि जो कारण क्या है, किस कारण से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है सिंक कर रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब भी आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल सके। ओके थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद जय भारत।